नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यदेव न्यूज। यूपी पीसीएस वर्ष 2019 का परिणाम घोषित होते ही मऊ जनपद के रतनपुरा वासियों को अति प्रसन्नता का अनुभव हुआ। बुधवार के दिन घोषित परिणाम में रतनपुरा कस्बा निवासी अभिषेक सिंह पुत्र बाल मुकुंद सिंह को भारी सफलता प्राप्त हुई। उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। उन्होंने 6वीं रैंक प्राप्त की। परिणाम घोषित होते ही अभिषेक सिंह के पिता बाल मुकुंद सिंह और उनकी माता श्रीमती उषा सिंह को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। इस बीच उनके मित्र, शुभचिंतक, रिश्तेदार और मोहल्ला वासियों ने उनके घर पर पहुंचकर बधाइयां दी। बताते चले, रतनपुरा कस्बा निवासी अभिषेक सिंह ने लखनऊ स्थित बाबा बनारसी दास से वर्ष 2014 में बीटेक की डिग्री ली और उनका चयन वर्ष 2015 में भारतीय स्टेट बैंक के पीओ के पद पर हो गया, जहां वे वर्ष 2015 से इस पद पर रहकर के पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पीओ के पद पर पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के मनमाड में मिली और फिर वहां से स्थानांतरित होकर औरंगाबाद चले गए, जहां पर रहकर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, जहां पर उन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई और उन्हें जनरल कैटेगरी में 6वीं रैंक प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि उनकी बहन भी भारतीय स्टेट बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत हैं और वो बैंगलोर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए अभिषेक सिंह के पिता बाल मुकुंद सिंह और उनकी माता उषा सिंह रतनपुरा के मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत में बतौर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अभिषेक सिंह का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन होने पर उनके माता पिता को लगातार बधाइयों का संदेश। तो मऊ के लाल ने कर दिया है कमाल और उन्हें जनरल कैटेगरी में 6वीं रैंक हासिल की है। अभिषेक सिंह को सबसे तेज न्यूज की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। अब देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट।